So we are going to learn about the classification of the organisms and the classification aims and principles. There is a large collection of very dissimilar forms of organisms found on the earth. You have a large collection of organisms which are dissimilar. On the other the earth. Over 1.5 million types of animals and over 0. 0.5 million types of plants are known to biologists, and these are the only small percentage of the total types estimated to live on the earth. यानी आपके पास बहुत स्मॉल परसेंटेज एनिमल्स और प्लांट्स की ऐसी है जिसके बारे में बायोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी कर सके हैं या उसको डिस्कवर कर सके हैं बाकी सब जितनी भी आपके पास परसेंटेज हैं वो अभी तक या तो डिस्कवर नहीं हुई हैं या फिर बायोलॉजिस्ट उसके बारे में स्टडी नहीं कर सके

इसमें से कुछ ऐसे हैं जो आपके एनिमल्स या प्लांट्स सी में रहते हैं कुछ ज़मीन पे रहते हैं कुछ चलते हैं कुछ उड़ते हैं तो ये सब आपके एनिमल्स हैं और कुछ ऐसे हैं जैसे स्टेशनरी हैं जैसे आपके प्लांट्स हैं वो एक ही जगह खड़े रहते हैं ईच हैज़ इट्स ऑन वे ऑफ लाइफ हर एक का अपना लाइफ स्टाइल है दैट इज़ गेटिंग फूड अवॉइडिंग अनफेवरेबल कंडीशन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव एंड रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड यानी इसके में अप्रें� जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनका अपना वे ऑफ लाइफ है वो खुद ही जो है अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं उस फूड को गेन करते हैं जो भी आपके पास अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन आती है तो उसमें खुद ही सर्वाइव करते हैं वैन देर आर सो मनी डाइवर्स काइंडर्गेनिज्म इट्स बिकम डिफिकल्ट टू लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच कि आपके पास इतनी डाइवर्सिटी है एनिमल्स की काइंड की तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप उस हर एक ऑर्गेनिजम को स्टडी करें तो स्टडी अ सच अ लार्ज कलेक्शन बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म इन टू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स एंड फॉर दिस टास्क दे रिक्वायर सन सिस्टम तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या निकाला है कि बायोलॉजिस्ट ने यह हल निकाला है कि ऑर्गेजम्स को आप ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दें तो उससे आप उसको स्टडी करना आपके लिए आसान होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ मेथड बाय बाच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपके पास ये मेथड है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को आपने ग्रुप्स या फिर सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है एम्स ऑफ क्लासीफिकेशन सो क्लासीफिकेशन के एम्स क्या हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द क्लासिफिकेशन इज़ नॉन एज टेक्सोनोमी यानी आपके पास वो ब्रांच बायोलॉजी की जो इससे डील करती है ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन से डील करती है उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं एंड द ब्रांच विच डील विद द क्लासीफिकेशन एंड ऑल्सो ट्रेसिस द एवोलिशन हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेजम इज़ नॉन एज सिस्टमैटिक्स यानी वो जो आपके पास क्लासिफिकेशन के साथ साथ उनकी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करें कि वो किस तरीके से एवेल मतलब एविलिनेट हुए हैं क्या उनका किस तरीके से मतलब पहले वो ऑर्गेनिजम कैसे थे और उसके बाद टाइम के साथ उनमें क्या चेंजिंग आई है तो इसकी हिस्ट्री को भी जो ऑर्गेनिज्म को स्टडी हैं वो आपके पास सिस्टमैटिक्स होते हैं द मेन मेन एम ऑफ बोथ दीज ब्रांचेस दोनों ब्रांचेस के मेन एम क्या है टू द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफ्रेंसिस ऑर्गेजम कि ऑर्गेनिज़म्स के दरम्या में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं दो ऑर्गेनिज़म किस तरीके से एक जैसे हैं और किस तरीके से डिफरेंट है यह है इसको स्टडी करना इसको डिटरमिन करना ताकि आप उसको इजीली स्टडी कर सकें टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज़म्स यानी उनके दर दरमियान वक्त के साथ साथ क्या चेंजिंग आई है किसी ऑर्गेनिज़म के दरमियाँ में तो उनके दरम्यान में क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेज हैं नेक्स्ट वन है बेसिस ऑफ क्लासिफ़िकेशन। द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड सच रिलेशनशिप इज गॉड थ्रू द सिमिलैरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स अब नेक्स्ट आपके पास आ जाती है कि बेसिक क्या है क्लासिफिकेशन की कि हम ऑर्गेनिजम्स के दरम्या में रिलेशनशिप देखें कि उनके दरम्याण में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं यानी दो ऑर्गेनिजम एक दूसरे से किस तरीके से सिमिलर हैं दीज सिमिलैरिटीज़ सजेस्टेड दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू वन अदर एट सेम पॉइंट इन दर रेवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़ तो ये सिमिलैरिटीज़ आपको क्या सजेस्ट करती हैं कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में किसी ना किसी पॉइंट पर एक जैसे या एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं However, some organisms are more closely related than others. कुछ organisms ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा related होते हैं as compared to other organisms. For example, sparrows are more closely related to pigeons than to insects. यानी आप sparrows को देखें तो sparrows जो है वो किस से belong करेगी किस group से belong करेगी pigeons यानी birds के group से belong करेगी insects के group से belong नहीं करेगी. It means that the former टू हैव कॉमरी एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज इसका क्या मतलब है कि इन दोनों की एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज क्या हैं सेम है सिमिलैरिटी है उसमें वैन बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई दर्गेजम इन टू ग्रूप एंड सब ग्रुप द सिमिलैरिटीज़ आर सीन इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एंड स्टेजेस ऑफ डिवेलपमेंट जब भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है तो उसके अंदर जो है हम सिमिलैरिटीज़ देखते हैं उनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में यानी उनकी फ़ीचर्स कैसे हैं उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर में या फिर उनकी स्टेजिज़ ऑफ़ डिवेलपमेंट में कि वो किस तरीके से डिवेलप हुए हैं मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड्स एन अधर टाइप ऑफ इफॉर्मेशन टू टेक्सोनोमिस्ट यानी आपके पास जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसने ये काम और आसान कर दिया है कि द सिमेलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेज इन डी एन एफ टू स्टडीड ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज फॉर गेटिंग अबाउट आइडिया अबाउट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज इन देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस यानी आप किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जो है डी एन ए को स्टडी करके ये बता सकते हैं कि दोनों ऑर्गेनिजम्स के दरम्यान में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफ्रेंसेज हैं नेक्स्ट वन इज टेक्सोनोमिक हाई द ग्रुप्स इन विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नॉन एज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और टेक्सा यानी वो ग्रुप्स जिस वो जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में उसको हम कैटेगरीज कहते हैं या टेक्सा कहते हैं द टेक्सा फॉर्म आ लेडर ये एक तरह का लेडर बनाता है कॉल्ड टेक्सोनॉमिक हाई जिसको हम टेक्सोनोमिक हाई कहते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इंटू फाइव किंगडम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फाइव किंगडम्स में डिवाइड किया गया जैसा हमने पहले पढ़ा है सो किंगडम्स इज़ द लार्जेस्ट टैक्सन जो आपके पास किंगडम होगा वो सबसे पहले यानी लार्जस्ट टैक्सन होगा ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ईच किंगडम इज़ फर्दर डिडेड इंटू स्मॉलर टेक्सा इन द फॉलोइंग वे तो आपका किंगडम जो है वो फर्दर डिवाइड होगा इस तरीके से इस हायर एरिकी में फर्स्ट वन इज़ फाइलम द डिवीजन ऑफ प्लान्स इन फंजाइट जैसे अगर डिवीजन है प्लान्स और फंग, फंगी की द फाइलम इज़ द ग फाइलम क्या होगा आपकी जो रिलेटेड क्लासिक है उसका ग्रुप होगा क्लासेस का क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, जो आपके पास क्लास है वो आपके रिलेटेड ऑर्डर्स का ग्रुप होगा द ग्रुप नेक्स्ट ऑर्डर जो है ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिलेटेड फैमिलीज हैं उनका ग्रुप है उसे हम ऑर्डर कहेंगे फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा यानी जिनके अंदर जीनस सेम होगा जीन सेम होंगी वो आपके पास होगा फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा नेक्स्ट जीनस जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ यानी रिलेटेड स्पीशीज़ जो है उसका ग्रुप उसको हम जीनस कहेंगे और लास्ट में हमारे पास आ जाता है स्पीशीज द स्पीशीज़ कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स यानी वो ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर होंगे उनको हम स्पीशीज़ कहेंगे सो so, ये आपके पास टैक्सा यानी हायरिकी है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए या फिर डिवाइड करने के लिए ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स अब जैसे हमारे पास ये टेक्सा है ये ह्यूमन है और पाई नि, पी यानी प्लांट्स का है ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्सा में सबसे पहले आपके पास आ जाता है किंगडम तो हमारे पास ह्यूमन का किंगडम है एनिमेलिया और प्लांट फाइलम है फाइल में डाटा आ जाएगा और साथ में मैंगनोलोफिटा आ जाएगा नेक्स्ट क्लास है आपके पास इसी तरह ऑर्डर है फैमिली है जीनस है एंड स्पीशीज़ है तो ये सब हम लोगों ने इनको क्लासिफाई किया है स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से इनको हम क्या कहेंगे जो लास्ट आपकी ह्यूमन की स्पीशी है उसे हम होपो होमोसेपियंस कहते हैं यानी सेपियंस और जो आपके पास पी की प्ला जो है स्पीशी है उसे कहते हैं हम पीसम स्टेम तो इससे जो है आपकी बेस बनती है और इससे आपके बाकी सब जो है प्लांट्स के या फिर जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बेसिस बनती हैं सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्पीशिया द बेसिक स्पीशीज द बेसिक ऑफ द क्लासिफिकेशन यूनिट यानी स्पीशीज जो आपका लास्ट पॉइंट है ये आपका बेस है किसी भी क्लासिफिकेशन के ऑर्गेनिजम्स की स्पीशी इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशी जो है आपका बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का द स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग यानी जो आपके पास स्पीशी वो ऑर्गेनिज्म है जो आप एक दूसरे के साथ फ्रीली इंटरब्रीड कर सकें और अपने ही तरह का फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्राम ऑल अदर सच ग्रुप इन द नेचर लेकिन जो है दूसरे भी जितने भी आपके पास नेचर में ग्रुप हैं उनसे ये आइसोलेट हों या फिर डिफरेंट हों ई स्पीशीज प्रोसेस इट्स ऑन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर इकोलॉजिकल एंड बिहेवियर कैरेक्टरस्टिक्स यानी आपके पास जो भी स्पीशी होती है उसकी अपनी स्ट्रक्चर इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसे अगर आप ह्यूमन हैं तो ह्यूमन की स्पीशी जो होगी वो आपस में इंटरब्रीट करके एक फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं सो so, आपके पास ये अगेन जो है टेक्सनॉमल हायरारिकी का जो है चार्ट है जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास किंगडम आता है नेक्स्ट फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड लास्ट वन इज स्पीशीज सो so, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीशी जो है आपकी बेसिस है किंगडम हमारा एनिमीलिया है उसमें फाइलम जो है कॉर्डाटा है क्लास मेमिलिया है ऑर्डर फ्राइमिट्स है होमिनीडाई है नेक्स्ट आपके पास जीनस जो है वो होमो है और स्पीशी जो है वो आपके पास होमोसेपियंस है यानी ह्यूमन जो है उसे हम होमोसैपिन कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इन द डेफिनेशन ऑफ द स्पीशी इन द डेफिनेशन ऑफ स्पीशी वी मस्ट इम्फोसाइज इन नेचर बिकॉज इट टू ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड टू टू डिफरेंट बट क्लोजी रिलेटेड स्पीशी कैन क्रॉस ब्रीड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन जो हमारा मेन इम्फोसाइज होता है स्पीशी में वो नेचर पर होता है क्योंकि जो आप दूसरे टू डिफरेंट आपके पास ऑर्गेनिजम्स होंगे लेकिन वो थोड़े से भी एक दूसरे से स्पीशी रिलेट कर रही है तो आप उसे आर्टिफिशियल कंडीशन में क्रॉस ब्रीड कर सकते हैं इन सन अन नेचुरल क्रॉस प्रोड्यूस प्रोड्यूसट इनफर्टाइल ऑफ स्प्रिंग यानी उस कंडीशन में क्या होगा जो आपके पास ऑफ स्प्रिंग आएगा वो इनफर्टाइल होगा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्रॉस ब्रीड कराते हैं मेल डंगी और फीमेल हॉर्स के दरियान में तो उनके दरम्यान में जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो म्यूल होगा यानी वो इनफर्टाइल ऑफ स्प्रिंग होगा सो आपके पास जो है वो इम्फेसिस किस पर होता है इन नेचर पर होता है कि बाय नेचर कि ऐसी जो बाय नेचर जो है वो खुद ही इंटरब्रीड करे और उसके दरम्यान में जो है वो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो द क्राइटेरिया ऑफ इंटरब्रीडिंग कैन नॉट बी यूज फॉर द स्पीशीज रिकिग्नाइज रिकिगनीशन इन ऑर्गेनिजम्स हु प्रोड्यूस इज एक्चुअली एंड डो नॉट इंटरब्रीट विद वन अदर फॉर एग्जाम्पल मैनी फॉर एग्ज़ाम्पल मनी यूनीलुलर ऑर्गेनिजम्स तो इंटरब्रीडिंग का जो आपका कॉन्सेप्ट है या क्राइटेरिया है वो आप कुछ एनिमल्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते जो यूनि ऑर्गेनिज्म हो यानी जो उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं वो ए uh, प्रोड्यूस होते हैं उसमें दो ऑर्गेनिज इंटरब्रीड नहीं करते बल्कि एक ऑर्गेनिज्म ख़ुद ही जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है तो इस क्राइटेरिया को हम इस पर अप्लाई नहीं कर सकते सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो वी विल राइट बैक विद अनदर वीडियो